हेलो लवीज, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई एम बैक विथ अनदर वीडियो और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ योर हेयर लॉस। हमारे दिमाग में ना बहुत सारे अजम्पशंस बैठे हुए होते हैं कि हम ये चीजें करेंगे तो हमारा हेयर फॉल होगा या फिर ये चीजें करेंगे तो हमारा हेयर फॉल एकदम से रुक जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। तो आज हम वही चीजें डिस्कस करने वाले, क्या ऐसे मिथ्स हैं एंड क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे कि हमें अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्यों हम लोग अभी टाइम वेस्ट करें, चलो सीधे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहला मिथ ये है कि अगर आपका हेयर स्कैल्प ऑयली है तो हमें लगता है कि हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा और हमारा स्कैल्प नॉर्मल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोग बार बार उसको वॉश करोगे ना तो आपके हेयर्स ड्राई होंगे, आपका स्कैल्प बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा, आपको ये प्रॉब्लम आफ्टर समटाइम्स फिर से ज्यादा दिखने लगेगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको फ्रिक्वेंटली अपने हेड बाथ नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो मैंने उसमें कुछ उसके रेमिडीज बताए हैं, तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट मिथ, ट्रिमिंग योर हेयर प्रिवेंट योर हेयर लॉस। नो, ऐसा नहीं होता। ये मैं भी खुद सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को 2 से 3 महीने में एक बार अपने बाल ट्रिम जरूर करने चाहिए। किस लिए कहती हूँ, क्योंकि आपके जो भी नए बाल आते हैं ना वो अच्छे तरीके से ग्रो होंगे और स्प्लिट एंड्स पूरे के पूरे आपके खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको आपके बाल ट्रिम करने हैं। इससे आपके हेयर लॉस से कोई भी नाता नहीं है। यस, आपका हेयर फॉल जो है फॉर सम टाइम्स कम हो जाएगा। अगर आपने हेयर कट कराया है ना तो आप लोग देखोगे कि थोड़े दिन के लिए 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना ले लो ज्यादा से ज्यादा, आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे, ठीक है। बट उसके बाद क्या होगा, फिर से डबल आपके बाल ज्यादा गिरने लगेंगे। तो ट्रिम करने से आपका हेयर लॉस हेयर फॉल पूरा का पूरा खत्म होगा, ये तो पूरा का पूरा झूठ ही है या फिर ये अजम्पशन है, ये सच नहीं है। फैक्ट ये है कि आप लोग ट्रिम करोगे बाल तो इससे आपके स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि आपको ट्रिम क्यों करने हैं बाल, ठीक है। मूविंग टू द थर्ड मिथ एंड फैक्ट, जो कि है हेयर कंडीशनिंग। तो मिथ ये है कि हेयर कंडीशनिंग करने से हमारे बाल खराब होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। फैक्ट ये है कि जो मार्केट में हार्मफुल कंडीशनर मिलते हैं ना उससे आपके बाल खराब होंगे, बट हेयर कंडीशनिंग एंड मार्केट के हेयर कंडीशनर्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हेयर कंडीशनिंग आपके बालों को नरिश करता है, आपके बालों को स्मूथ करता है। इसका फैक्ट यही होगा कि हेयर कंडीशनिंग आपके बालों को स्मूथ बनाता है, नरिश करता है। तो आप लोग जो हार्मफुल कंडीशनर आप लोग मार्केट से लेते हो ना उसमें प्रॉब्लम होती है, ना कि हेयर कंडीशनिंग में। तो आई होप आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हेयर कंडीशनर अपने घर में ही बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी जो है मैं आप लोग अगर कमेंट करके मुझे बताओ, अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर बताऊंगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट मिथ, हमने ये हमेशा ही सुनी होगी बात कि हमें नॉर्मल वाटर से नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल, बट अभी मिथ क्या है इसमें। बहुत लोगों के दिमाग में ये अजम्पशन बैठा हुआ होता है कि अगर हम लोग नॉर्मल वाटर से ही वॉश करेंगे ना बाल तो हमारा हेयर फॉल पूरा का पूरा कम हो जाएगा और हमारी हेयर्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि अगर आप लोग नॉर्मल वाटर यूज करोगे ना ये बालों की फ्रिज कम होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, ठीक है। बट इससे आपका हेयर फॉल पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग ठंडे पानी से अपने बाल वॉश कर लोगे आपका हेयर फॉल पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट मिथ, हेयर लॉस इज अ साइन ऑफ एजिंग। आपके एज से आपके हेयर लॉस का उतना कुछ संबंध नहीं है। फैक्ट ये है कि हम जो यंगस्टर्स है ना उनमें भी हम लोग हेयर फॉल आजकल देखते ही है, इनफैक्ट उनका ही आजकल एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी उम्र पड़ती है हेयर ग्रोथ जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, बट 100% ये ट्रू नहीं है यार कि हेयर फॉल हो रहा है मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं यार, जरूरी नहीं है कि हमारी सिर्फ उम्र हो रही है इसीलिए हमारे हेयर फॉल हो रहा है एंड अभी इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फैक्ट ये है कि
दिस इज नॉट ट्रू. इनफैक्ट हम लोग आजकल देख सकते हैं कि यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है. मूविंग टू द नेक्स्ट मिथ एंड फैक्ट, जो कि है कि अगर सनलाइट या फिर सन रेज हमारे डायरेक्टली हमारे स्कैल्प पे या फिर हमारे सर पे आती है ना, तो उसकी वजह से हमारा एक्सट्रीमली हेयर फॉल होता है. बट दिस इज नॉट ट्रू. तो जो ये हमारे बाल है ना, यही हमें सन रेज से ना प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्कैल्प को. तो डायरेक्टली तो सन रेज जो है हमारे स्कैल्प में नहीं आ सकते, तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में अजम्पशन मत डालना. लास्ट में मैं आप लोगों को बस यही टिप्स देना चाहूंगी कि आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी बनाना, अपने फूड के ऊपर फोकस करना कि आप लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं. जंक फूड अवॉइड करो, घर का हेल्दी खाना आप लोग खाओ, ठीक है. एंड आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स अपने बालों पे यूज कर रहे हो ना, वो आप लोग अच्छे से देख के थोड़ा सा रिसर्च करके कि ये अच्छा है या नहीं, ये सब देख के ही आप लोग यूज करना. तो ये सब चीजें जो है ना, वो आप लोगों के हेयर फॉल को कम करने के लिए हेल्प करेंगी. तो ये सब मिथ्स एंड फैक्ट्स देखने के बाद में तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, मस्त रहो. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.